असलामुअलैकुम टू एवरी वन, वेलकम टू मोटो ट्रेनिंग। तो गाइज, आज मैं सबके लिए लाया हूँ एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो शाह अल्लाह दिट्टा की केव्स के बारे में, और ये जस्ट छोटी सी रिव्यू वीडियो है। इसकी वीडियोस पहले ही डॉक्यूमेंट्री की अपलोडेड है यूट्यूब पर, आप अगर आप में से किसी ने देखनी है आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो ये केव्स हैं वो पुरानी शाह अल्लाह दिट्टा की, जिनके बारे में आपको आज मैं बताने वाला हूँ। अभी मैं आपको करीब से दिखाता हूँ शाह अल्लाह दिट्टा की केव्स। तो गाइस, ये है केव्स, शाह अल्लाह दिट्टा की केव्स। और आप देख सकते, काली होने की वजह ये थी कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनका कहना ये है कि यहाँ पर शेर शाह सूरी की फौज हुआ करती थी, और उस पर ऊपर जो अलेक्जेंडर की फौज होती थी, यहाँ से आप पीछे की साइड जाएं तो ये जाता है हरिपुर की तरफ रास्ता, तो वहाँ पर होती थी अलेक्जेंडर की फौज। तो उन्होंने शेरशाह सूरी की फौज पर हमला किया था, वो यहाँ पर रात के टाइम आराम कर रहे थे, तो उन्होंने बाहर से आग लगा दी थी उन पर। और आपको अब मैं दिखाता हूँ एक छोटी सी नहर, ये आप देख सकते हैं, ये छोटी सी नहर है। इस नहर के बारे में जो स्टोरी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इस नहर का पानी मैं आपको दिखा देता हूँ मज़ीद। ये आप देख सकते हैं नहर वहाँ से चल के यहाँ तक जा रही है, और इस नहर के पीछे भी एक छोटा सा ट्यूब वेल कह दें, पाउंड है, छोटा सा पाउंड। वो पाउंड भी सिखों के ज़माने का, पहले ये पत्थर का पाउंड हुआ करता था, लेकिन अब से जो है ना बाद में इन्होंने मट्टी वगैरह से पक्का कर दिया। ये भी सिखों के ज़माने का पाउंड है, और इन्होंने यहाँ पर मछलियाँ छोड़ी हुई हैं ताकि इस पाउंड में कोई नहाए ना। तो बाकी जो स्टोरी है उस नहर की छोटी की बारे में जो आपको देखी है आपने, वो नहर जो है, अगर आप इससे लेट के जाएंगे इस नहर के बीच में से, तो आपको एक बड़ा सा कमरा अंदर दिखाई देगा, और पानी जो है उस कमरे के अंदर पत्थर से निकल रहा है। तो हिस्ट्री जो इनकी यहाँ के लोगों का कहना यह है कि यहाँ पर एक बड़े आमिर हुआ करते थे, पीर हुआ करते थे, जिनका नाम है शाह अल्लाह दिट्टा, जिनकी नगर जगह उन्हीं के नाम पर यह जगह है। तो उनसे किसी भी ने फरियाद की थी कि उनको जो है पानी भरने के लिए पहाड़ के दूसरी तरफ जाना पड़ता था, तो उनकी फरियाद पे वो पीर यहाँ पे ही अंदर रहा करते थे, तो उन्होंने कोई अपना नहीं था, उनका जो औजार था वो मारा था पत्थर पे, जिसकी वजह से वो पानी निकला, और वो उस टाइम से अभी तक बहता आ रहा है। ये स्टोरी थी उस छोटी सी नहर की। अभी आप देख सकते हैं ये गार का ऊपर वाला हिस्सा है, बहुत पुरानी है। आजकल की जो रिसर्च है उसके मुताबिक ये गार कम से कम भी 3,500 साल पुरानी है, और यहाँ पर काफ़ी लोग इन गारों को देखने के लिए आते हैं दूर दूर से। तो आपको अब मैं दिखा देता हूँ दूसरी तरफ का हिस्सा। अब मैं जा रहा हूँ दूसरी तरफ, आपको दूसरा हिस्सा दिखाने, जो ऊपर वाला हिस्सा। और अब मैं जा रहा हूँ सीढ़ी से ऊपर, आपको सीढ़ी से ऊपर जाके ऊपर का कुछ हिस्सा जाऊँगा मैं दिखाऊंगा। ये गार वाला ऊपर वाला हिस्सा, वहाँ पे कुर्सियाँ चेयर्स वगैरह लगी हुई, यहाँ पर कबाल वगैरह बैठा करते थे, और ये सारा गार का ऊपर वाला पुराना हिस्सा, बहुत अच्छा व्यू है। और इस जगह पे जो लोग बाहर से आते थे इस जगह को देखने के लिए, टूरिस्ट वगैरह, उनके खाने पीने का इंतजाम किया जाता था। तो ये छोटी सी गार का हिस्सा था, यहीं पर साथ ही ऊपर कबाल भी बैठे थे। अब ये केव्स हैं शाह अल्लाह दिट्टा की पुरानी केव्स,
आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स अपलोड की हैं, आप देख सकते हैं ये पिक्चर्स हैं, इंशाल्लाह अभी तक की उसके बारे में।